तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में, जी हाँ, ये दोनों सीटों पर उपचुनाव थे और इस उपचुनाव में जेडीयू की शानदार जीत ने विपक्षी दलों के तमाम दावों की हवा उड़ा दी है। बिहार की सियासत में अपनी पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रही द प्लूरल्स पार्टी, जी हाँ, बात द प्लूरल्स पार्टी की कर रहे हैं, इसको एक बार फिर से बड़ी निराशा हाथ लगी है। पार्टी की प्रमुख जो हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके मान लिया है कि उनके उम्मीदवार तारापुर में बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं। तारापुर में द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण की करारी हार हुई है। उन्हें मात्र 834 वोट मिले हैं, जो कि कुल मत का 0.49% है। उनके अधिक वोट नोटा पर पड़ा है, जी हाँ, 2,569 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। पुष्पप्रिया चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे पार्टी उम्मीदवार तारापुर से चुनाव हार गए हैं बुरी तरह, हम विनम्रता पूर्वक हार को स्वीकार करते हैं। पुष्पप्रिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमारी पार्टी उम्मीदवार तारापुर से चुनाव हार गई है बुरी तरह और हम जो है इस हार को स्वीकार भी करते हैं। खेल का जो भी नियम हो, हम दिनों दिन और मजबूत होकर के खेलते रहेंगे जब तक कि हम जीत करके खेल के नियम को हमेशा के लिए ना बदल दें। अच्छे लोगों के लिए #हैशटैग सबका शासन, ये ट्वीट किया उन्होंने। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में हार को स्वीकारने के साथ साथ में ये भी जता दिया कि बिहार और बिहार के लोग भी बदलाव नहीं चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि हम तारापुर हार गए हैं, वो फिर जीते हैं, हमारी पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है, पर यह भी स्पष्ट है कि बिहार भी बदलाव के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं है, हमने एक मिशन बनाया है और उसे हम पूरा करेंगे। बस अफसोस है कि समय बर्बाद हो रहा है, हमारा भी और बिहार का भी। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान से जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारे ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें 12,698 वोट से विजेता घोषित किया गया है। 23वें और अंतिम राउंड की गिनती में उन्हें 59,882 और आरजेडी प्रत्याशी गणेश भारती को 47,184 वोट मिले। तारापुर में जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी को अरुण कुमार शाह को 3,821 मतों से पराजित किया और प्लूरल्स पार्टी